नमस्ते दोस्त, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर DTH टच पर। आज की लेटेस्ट अपडेट आपके साथ एक बार फिर से शेयर करने जा रहा हूं, जो कि नेक्स्ट ई ऑप्शन पे कुछ चैनल और पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट ई ऑप्शन पे पार्टिसिपेट करने से लिए पूरी तरह से तैयार है। कुछ चैनल ऐसे होंगे जिसका ट्रेंड मार्क जारी हो चुका है और टेस्टिंग पर शुरू किए जाएंगे, उसके बाद चैनल सभी पेड ऑपरेटरों के पास शुरू किए जाएंगे और ये चैनल डीडी फ्री डिश पर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। कुछ चैनल के नाम आपके साथ शेयर करेंगे। आपका एक रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी वीडियो देखना, वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को बस बस शेयर भी कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इसी तरह आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और हमने एक वेबसाइट लॉन्च किया 9xatta.com, प्लीज उसे सपोर्ट करें, उसे बस बस शेयर करें और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि नेक्स्ट ई ऑप्शन 13 मार्च को शुरू होने जा रही है। जो जो चैनल पार्टिसिपेट करेगा वो 13 मार्च को आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद 1 अप्रैल से नए चैनल आपको डीडी फ्री डिश पर देखने के लिए मिल सकते हैं, जिनमें से एक चैनल की बात करें जिसका ट्रेंड मार्क जारी कर दिया गया है, जो टीवी जो कि एक म्यूजिक का चैनल रहेगा, 83 बैंड के सैटेलाइट पर इसकी टेस्टिंग की जाएगी। उसके बाद ये चैनल डीडी फ्री डिश पर आपको देखने के लिए मिल सकता है। दूसरे चैनल की बात करें पंजाबी हिट्स, जो कि पेड ऑपरेटरों के पास शुरू कर दिया गया है, ये चैनल डीडी फ्री डिश पर नेक्स्ट ई ऑप्शन पे पार्टिसिपेट कर सकता है। रिशु सनप्लेक्स, जो कि एक नया मूवीज चैनल बॉलीवुड का रहने वाला है और इसकी टेस्टिंग बहुत जल्द 83 बैंड के सैटेलाइट पर शुरू की जाएगी और चैनल नेक्स्ट ई ऑप्शन पे देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद अगली चैनल की बात करें स्टार स्पोर्ट फर्स्ट, ये भी चैनल इस बार ई ऑप्शन पे पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आ सकता है। अगली चैनल की बात करें तो रिशु भोजपुरी, एक भोजपुरी मूवीज चैनल भी लॉन्च होने जा रहा है रिशु नेटवर्क की ओर से, और भी चैनल नेक्स्ट ई ऑप्शन पे पार्टिसिपेट नजर करता हुआ आ सकता है। उसके बाद अगली चैनल की बात करें तो गोल्ड मेडल्स नेटवर्क की ओर से एक नया ट्रेंड मार्क जारी किया गया है, जिसका यानी कि गोल्ड मेडल्स एक्शन मूवी चैनल रहेगा, जिसमें आपको हॉलीवुड की और साउथ की हिंदी डब मूवी देखने के लिए मिलेगी और चैनल की टेस्टिंग ट्रांसमिशन 83 बैंड के सैटेलाइट पर बहुत जल्द शुरू की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ई ऑप्शन पर देखने के लिए मिल सकता है। धन्यवाद दोस्तों।